क्या पाखी करेगी अनुपमा की बातों पे अमल, क्या रखेगी अदिप पे पैनी नजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा और पाखी के बीच में एक सीन हुआ जिसमें पाखी शांति से अनुपमा की बात सुनती हुई नजर आई, मगर इस सीन में अनुपमा ने एक डायलॉग बोला अधिक के लिए कि इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता है, तो ये अधिक कैसे बदल गया, क्योंकि पाकी ये बिलीव कर रही है कि अधिक बदल गया है। तो इस डायलॉग के पीछे कौन कौन है लपेटे में, क्या समझे इस डायलॉग को हम, क्योंकि अब तो पाखी भी अनुपमा की बात सुनती हुई दिखाई दे रही है। अब पाखी हमें अच्छी पाखी दिखाई देगी या फिर पाखी वही रहेगी जो पाखी थी, तो ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा डायलॉग अनुपमा ने बोला है अधिक के लिए, तो ये डायलॉग कहां तक जाता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अधिक मेहता जो क्रिमिनल माइंडेड है उसके लिए कोई भी अच्छी बात करना मतलब अपने आप को धोखा देना है, ये हम सब समझ चुके हैं, क्योंकि अधिक मेहता की नेचर के हम कई शेड्स देख चुके हैं। और अधिक मेहता की बात को करें तो साथ में अगर पाखी की बात को करें तो पाखी के भी हम इतने शेड्स देख चुके हैं, पाखी ने भी कितना कुछ किया है, किस हद तक गई है पाखी। तो जो अनुपमा कह रही थी कि मौसम भी नहीं बदलता है, तो क्या ये बातें अनुपमा के अपने बच्चों पे लागू नहीं होती हैं? समर अनुपमा भक्त समर वो बदल गया, तोशु बदल गया, करेक्टरलेस कहने वाला अपनी मां को वो बदल गया। तो मुझे बस मुझे पता है अधिक मेहता जो है वो आप सबको पता है कि अधिक मेहता कैसा है, मगर सवाल यहां पे ये है कि अनुपमा ये डायलॉग पाखी को जो बोल रही है, इस डायलॉग में कहीं ना कहीं न्याय है, जस्टिस है। ठीक है अधिक मेहता एक विलन के रूप में आ रहा है, अनुपमा की बात सही है, मगर अगर अधिक मेहता को हम डाउट में लेते हैं कि वो नहीं बदल सकता, उसकी फितरत नहीं बदल सकती, तो इसका मतलब यह है कि अधिक मेहता की फितरत को अनुपमा समझ चुकी है और अपने बच्चों की फितरत भी समझती है कि आज मेरा बच्चा मुझे करेक्टरलेस कह रहा है, मगर इसकी फितरत ऐसी नहीं है, ये कल को मुझे मां कह के गले भी लगाएगा क्योंकि मेरा अपना बच्चा है। तो मुझे ये थोड़ा सा समझ में ही नहीं आया कि कल को पाखी अनुपमा के सामने आंखें निकाल निकाल के कहने वाले कि मुझे गाइड करने वाले कौन होते हो आप, अपनी लिमिट में रहो, हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और कितना कुछ सुना गई, शर्तें रखने वाली पाखी। अब पाखी अच्छे से बोल रही है तो अनुपमा अच्छे से बोल रही है, मतलब सब कुछ डिपेंड करता है अनुपमा के बच्चों पे, अनुपमा पे नहीं डिपेंड करता। अगर अनुपमा के बच्चे अच्छे हो जाते हैं तो अनुपमा खुश, सारी बेइज्जतियां सब कुछ भूल जाती है, बच्चों को आगे के लिए तैयार नहीं करती है, अपनी नाराजगी नहीं दिखाती है, बच्चों को उनको आईना नहीं दिखाती कि बेटा आपने गलत किया था, आपने अपनी माँ की बेइज्जती की थी, माँ का आदर करना बहुत जरूरी है, और जो बच्चे अनादर करते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। ये बातें कौन सिखाएगा इन बच्चों को? तो अधिक का मौसम बदलने वाला जो डायलॉग है अधिक पे सूट करता है तो इन पे भी सूट करता है मेरे हिसाब से। अब डिम्पी भी बदल रही है एकदम से, किसी भी करेक्टर को मतलब जो भी अनुपमा के आसपास है टेस्टेड करेक्टर है वो बदल जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अधिक मेहता बदलेगा जिसमें पाखी को लग रहा है कि अधिक मेहता बदल गया है मगर अनुपमा को नहीं लग रहा है, तो उसके लिए इतना बड़ा डायलॉग कि इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता, तो पाखी दो रातों में बदल के आ गई है भाई, तो ये तो पाखी का तो और भी ज्यादा फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है और पाखी की सारी गलतियां माफ। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि अब जो भी कुछ आगे होने वाला है उसमें पाखी के अच्छे रंग फिर से दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाखी ने अब कहा है कि मम्मी की बात तो सही है, एकदम से पाखी को सब समझ में आ गया
दो दिन की किडनैपिंग ने पाकी को सब कुछ सिखा दिया। तो लेट्स सी क्या होता है, मगर ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.